भाई और बहनों, मैं आज देश के भविष्य के साथ मेरी बात कुछ करना चाहता हूं। वो नौजवान, युवा हो और युवती, जो 21वीं सदी में पहली बार लोकसभा के लिए वोट देने वाले हैं, पहली बार जो नौजवान 21वीं सदी का भविष्य उंगली दबा करके, कमल के निशान पर बटन दबा करके देश का भविष्य सुनिश्चित करने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो पहली बार लोकसभा में मतदान करने वाले हैं, भाइयों बहनों, उनके लिए ये बात सामान्य नहीं है। जिनको पहली बार वोट करने का, देश का भविष्य तय करने का अवसर मिला है, ऐसे सभी युवा मतदाताओं को, युवक और युवतियों को मैं हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन मैं आज उनके सामने देश की राजनीति का एक चित्र रखना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है कि मेरी ये नई पीढ़ी देश के लिए सोचेगी, देश के लिए मतदान करेगी, और नई पीढ़ी का मत 5 साल के लिए नहीं है, क्योंकि जो पहली बार वोट देने जा रहा है वो 18, 19, 20 साल का नौजवान, उसके तो पूरी 21वीं सदी उसी में उसको अपना जीवन गुजारना है, और इसलिए उसका वोट 21वीं सदी की उसकी खुद की जिंदगी के लिए है। भाइयों बहनों, भारत की राजनीति का एक चित्र, भारत की राजनीति में 4 अलग अलग तरह की राजनीतिक परंपराएं रही हैं। ये 4 दलीय व्यवस्थाएं ही देश की स्थिति, देश के विकास की गति इन्हीं के हाथ में रही है। वो 4 है कौन? मैं चाहूंगा कि मेरी नई पीढ़ी इस बात को समझे। और ग्वालियर ऐसी जगह है, बुद्धिजीवियों की जगह है, तो मेरा भी मन वो करता है कि राजनीति की बात करते करते कुछ एकेडमिक चर्चा भी उनके साथ कर लूं। और इसलिए राजनीतिक मंच होने के बावजूद भी कुछ उन बातों को मैं करना चाहता हूं जो आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटीज में, टीवी डिबेट में, चुनाव नतीजों के बाद भी इसकी गूंज सुनाई देनी चाहिए। ये 4 कौन है? इसमें पहला है नामपंथी, दूसरा है वामपंथी, तीसरा है दाम और दमनपंथी, और चौथा है विकासपंथी। नामपंथी, वामपंथी, दाम और दमनपंथी और विकासपंथी। आपको ऐसी बात सुनना ठीक लगेगा ना? ठीक लगेगा ना? वरना लगता है कि चुनाव में तो मैं उसको, वो उसको, ये करूं। देखिए, नामपंथी यानी जो दिन रात अपने वंशवादी नेता का नाम जपे, पार्टी में
किसी सामान्य कार्यकर्ता को आगे न बढ़ने दे। ये है नामपंथी जमात। हमारे देश में वो जमात आप जानते हैं। दूसरी है वामपंथी। वामपंथी ने जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया, जिन्होंने त्रिपुरा को बर्बाद किया, जिन्होंने केरल को बर्बाद किया, और ये वामपंथियां ने जो मरी पड़ी विदेशी विचारधारा को भारत में जिंदा करने की कोशिश करे, हिंसा का सहारा ले, वे हैं वामपंथी। तीसरा है दाम और दमनपंथी, यानी जो धन और गन, धन और गन से सत्ता पर कब्जा करना चाहे। आज फिर एक बार बंगाल इसी दमन पर, दाम और दमन से कुचला जा रहा है। भाइयों बहनों, और चौथी है विकासपंथी, यानी भारतीय जनता पार्टी जैसे दल जिनके लिए देश का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है, जो सत्ता को सेवा मानते हैं। साथियों, इस लोकसभा चुनाव में आप अपने जीवन का पहला वोट करने जा रहे हैं। आपका एक एक वोट तय करेगा कि देश में किस तरह के राजनीतिक परंपरा, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक दल मजबूत होने चाहिए। एक तरफ नामपंथी, वामपंथी, दाम और दमनपंथी दल है, तो दूसरी तरफ हमारे जैसे विकासपंथी है। आपका एक वोट देश को दिशा देने का काम करेगा।